नारायण। तो आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में देखिए हमारे घर कौन आया है, नन्ना मुन्ना सा जो है गाय का बच्चा। तो हमारे घर की गाय ने इस बछड़े को जो है जन्म दी है आज, और बहुत ही सुंदर है। और देखिए आप लोग भी देख सकते हैं, ये लग नहीं रहा है कि अभी मतलब कुछ घंटे पहले मतलब ये पैदा हुआ है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्ट्रांग है, एकदम फुर्तीला है। और इसकी मम्मी भी ये गए हुए थे खेत पर चारा चरने के लिए, और उधर ही ये बच्चा जो है पैदा हो गया था। तो हम लोगों ने देखा कि टाइम से घर पर नहीं आई है इसकी मम्मी, तो ऐसे ढूंढते हुए गए तो बच्चा उधरी पर पैदा हो गया था। तो इसको लेकर के आए हैं, तो काफ़ी क्यूट दिख रहा है सच में। मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ कि हमारे घर जो है कौन आया है। और हम लोगों ने इसका नाम जो है रखा हुआ है भोला, क्योंकि ये शिवरात्रि के पावन पर्व पर पैदा हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने भोला रख दिया। और ये इसकी मम्मी, तो देखिए ये खा रही है अभी पैरा, क्योंकि अभी अभी आई है लेके आई इसे। तो चलिए फ्रेंड आगे का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड इसके बाद जो है मैं चली गई थी फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि शंकर भगवान में धथरा का और ये फुलहर का फूल बहुत ज़्यादा चढ़ता है, तो यहाँ से मैं फूल तोड़ करके ले आई थी। उसके बाद हम हो गए थे रेडी जो कि मंदिर दर्शन के लिए। तो चलिए, हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और सभी लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो हमारे गांव में जो है मेला लगता है, तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग मंदिर दर्शन के लिए और मेला घूमने के लिए। तो आप लोग भी चलिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे गाँव के मेला को। काफ़ी सुंदर मंदिर तो पहले आप लोगों ने देख ही लिया है, आज मेला भी इंजॉय कीजिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, वो सब देखिए। तो ये देखिए जो है पहनी हुई हूँ, और ये जो साड़ी है मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। आप लोगों ने शायद ब्लॉग देखा होगा, जिसने देखा होगा उसे याद होगा कि मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी अभी बीच में। तो वहाँ से जब आई तो उन्होंने 150 रुपये साड़ी मुझे गिफ्ट किया, और मैंने इसलिए से रख दिया था क्योंकि उसकी जो याद है, उसका जो प्यार है, उसे मैं शिवरात्रि के दिन पहनी हूँ पूजा में। तो आज मेरे पास है और आज ही मैं मतलब इसे पहनी हूँ, तो ये उसका गिफ्ट है। तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, और उसको भी बहुत खुशी होगी शायद इस वीडियो को देख करके कि उसका गिफ्ट जो है मैंने आज पहना। और वो बोल रही थी कि नहीं मैंने उतना अच्छा नहीं दिया है, तुम शायद नहीं पहनोगी, तुम अच्छा पहनते हो, महंगा पहनते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे मतलब गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता, चाहे वो कितना कभी हो कोई मूल्य होता। तो बस मेरे लिए बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया साड़ी है, ये देखिए। तो ये है मेरे फ्रेंड का गिफ्ट। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं और सब लोग हो गए तैयार, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये है मेरा लुक, मैंने बनाया हुआ है हाथ जुड़ा, और इसका जो है बैक डिज़ाइन शायद आप लोग को नहीं दिखेगा, तो कभी दिखाती हूँ मैं। और ये हमारा फाइनल लुक, चलिए चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमारे घर के लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग चल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। आप लोगों ने पहले ही मंदिर को देख चुका है मेरे ब्लॉग में, इस बार देखिए कि शिवरात्रि में हमारे यहाँ कैसे मेला लगती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड सब लोग हो गए हैं रेडी, और ये देखिए बेबी को जिससे अभी आप लोगों ने फिलहाल मिला था और सभी ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट दिया था। तो देखिए इसे हो गई है तैयार एकदम बढ़िया से कैप वैप लगा के, और इधर भी देखिए सब लोग हो गए हैं रेडी। तो चलिए चलते हैं मंदिर दर्शन। ये मेरी बेटी को काव्या, हेलो काव्या। बहुत याद रही थी ना सर, ले जाने।
परिक्रमा फ्रेंड, हम लोग आपने देखा कि मंदिर पहुंच गए थे, पूजा अर्चना भी कर लिए। उसके बाद जो है यहाँ थोड़ा सा सब्जी वगैरह लगा हुआ है, वो सब आपको मैं दिखाती हूँ। और जो है हमने पूजा भी कर ली थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर में आ करके। और इधर देखिए, मतलब चहल पहल है, भीड़ है बच्चों की। और ये है हवन कुंड, जो कि आज के दिन हवन तो ज़रूरी ही है शंकर जी की पूजा के बाद। तो यहाँ हम लोगों ने भी हवन कुंड में जो है आहुति डाली, और उसके बाद जो है शंकर जी की पूजा करने के लिए इधर गए। तो देखिए काफ़ी जो है भीड़ है, इस कारण से अच्छे से वीडियो भी नहीं हो पाया, हिल रहा था क्योंकि लोग देख रहे थे हमें कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी कारण से, और ये सब चीज़ मैं आप लोग को पहले ही अपने ब्लॉग में दिखा दी हूँ, मैं जो है एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पहले ही जब खाली पीली थी हमारे मंदिर, तभी मैं दिखाई थी आप लोग को, बहुत अच्छा है वो वाला वीडियो, आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ सरस्वती माता है और काफ़ी सुंदर लग रही है, जो कि दिया अगरबत्ती और फूल से सजी हुई, तो बहुत बढ़िया लगता है। और इधर पर आ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ है शंकर जी की जो है शिवलिंग, और है नंदी जी, क्योंकि शंकर जी तो अकेले होते ही नहीं है, नंदी जी तो साथ में ज़रूरी ही है। तो यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं पूजा। और मैंने जो है हार बना करके लेके आई थी घर से, तो वही मैं चढ़ा देती हूँ। और काव्य जिद कर रही थी कि मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ दिया वगैरह जल रहा है, तो थोड़ा सा डर रहता ना कि हाथ वगैरह बच्चों का ना जल जाए, इस कारण से मैं बोल रही थी कि नहीं मैं चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए, काव्य और मैं दोनों मिल करके हार जो है चढ़ा देते हैं, और छोटा सा मैं गेंदे का और फुड़हर के फूल का हार बना के लेके आई थी, और यहाँ हम लोग नारियल चढ़ा देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है सच में, मतलब हर फेस्टिवल का अपना ही मज़ा होता है और अपना ही इन्जॉयमेंट होता है। तो इस दिन जो है श्रद्धा से आप आ करके, मॉर्निंग तो मैंने वीडियो डाल दी थी कि मॉर्निंग हमने 5 बजे उठ करके किस तरह से पूजा अर्चना की थी, उसके बाद ये शाम का है। और जिसने भी मॉर्निंग का नहीं देखा, उसे भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। शिवरात्रि के दिन सुबह 5 बजे हम लोगों ने जो भी पूजा अर्चना की वो ये है। और ये वीडियो फ्रेंड आने में इसलिए लेट हुई क्योंकि मेरा डाटा नहीं था, और इस कारण से लेट हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, कोई नहीं, आप लोग तक ये वीडियो पहुंची। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोग पूजा अर्चना करके इधर पे आ गए हैं, इधर सब्जियां भी आई हुई है मार्केट में, मतलब यही मंदिर परिसर के अंदर ही जो है मार्केट बैठा दिए हैं, जहाँ सब्जियां अभी आई हुई है। तो मेला टाइप का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता, ठीक ठाक है, जिसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाती है। तो ये देखिए, हम लोग भी यहाँ से सब्जी वगैरह खरीदे, यहाँ बच्चे भी खिलौना खरीदे, इसके बाद हम लोग चलेंगे घर की ओर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और जो छोटी बेबी है वो सो भी रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अभी घर की ओर। तो चलिए फ्रेंड, घर जा करके आपसे मिलती हूँ मैं। तो देखा फ्रेंड आप लोगों ने, हम लोगों ने मंदिर दर्शन कर लिए, और मंदिर दर्शन कर करके घर आ गए हम वापस।
तो चलिए घर आकर के अभी 6:30 हो रहे हैं और खाना वगैरह बनाना है, तो अभी मुझे ड्रेस चेंज करनी है और उसके बाद खाना बनाऊंगी क्योंकि आज उपवास है, तो और भी वीडियो करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो बस ये वीडियो जो है मैं सोच रही हूँ इधर ही पर करूँगी और फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ज़रूर से लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।